जैसे शहरों से हर रोज ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए घोड़बंदर रोड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर शहरों में बढ़ती आबादी, खराब सड़कें, इसकी वजह से घोड़बंदर रोड पर बढ़ता ट्रैफिक लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। पर जनता की इसी तकलीफ को दूर करने के लिए 58,000 करोड़ का खर्चा कर 90 किलोमीटर का रिंग रोड बनाने का प्लान MMRDA ने पेश किया है। MMRDA आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी ने दी जानकारी के मुताबिक 2029 तक ये प्रकल्प पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मुंबई इन मिनट्स इस संकल्पना के साथ रोड का ये नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसकी वजह से शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 59 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में MMRDA के साथ BMC, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल NHAI भी शामिल है। रिंग रोड की इस प्रोजेक्ट में वर्सोवा बांद्रा सीलिंग, वर्सोवा दहीसर और मीरा भाईंदर दहीसर लिंक रोड, अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे कई प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत घोड़बंदर रोड पर कासर वडवली, गायमुख और कोलशेत को भिवंडी के खारबाव, पायगाव और कालेर से जोड़ने के लिए समांतर पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये पुल ठाणे की खाड़ी में बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खाड़ी पर दूर दूर बसी इन जगहों के बीच का अंतर कम हो जाएगा और लोगों को घोड़बंदर रोड पर ट्रैवल करना भी और आसान हो जाएगा। भविष्य में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाढ़वन पोर्ट बन जाने के बाद बढ़ने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए ये रिंग रोड बनाया जाएगा। इसीलिए अब सरकार का ये नया प्रोजेक्ट लोगों के लिए कितना लाभदायक साबित होता है, ये देखना अहम होगा। MMRDA के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए MB Live से।